हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल. दिस इज़ प्रतीक्षा. सो आज मेरा थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम था RRBPO का. सो लेट मी नो कि आज किस किस का एग्ज़ाम था और कौन से शिफ्ट में था. सो लेट्स एनालाइज कि क्वेश्चंस कैसे आए थे. उसके बाद मैं अपना जो टोटल अटेम्प्ट है एंड जो सेक्शन वाइज जो इंडिविजुअल अटेम्प्ट है वो भी शेयर करूँगी, ताकि आप लोग मुझे बताना कि आपका कितना अटेम्प्ट हुआ है. सो कैन यू नो वी कैन एनालाइज द कट ऑफ. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द मैथ. तो मैथ्स में जो सबसे पहले क्वेश्चंस थे, पांच या छः रॉन्ग नंबर सीरीज़ थे, जो कि मुझे कहीं ना कहीं मिसिंग सीरीज़ ज़्यादा बेटर लगता है, क्योंकि उसमें आपको यू जस्ट हैव टू फाइंड द रिलेशन, देन यू कैन जस्ट जो मिसिंग नंबर है उसे आप निकाल सकते हो. पर रॉन्ग नंबर में क्या होता है कि आपको हर एक पूरा अच्छे से चेक करना होता है, तो टाइम टेकिंग होता है. तो छः में से मैंने चार किए हैं, दो मैंने थोड़ा मुझे देख के समझ नहीं आ रहा तो मैंने स्किप कर दिया. फिर उसके बाद आपके DI आई थी एक ब्रेड की, जो था इटैलिक ब्रेड और गार्लिक ब्रेड और टोटल नंबर ऑफ ब्रेड्स. तो ऐसा कुछ था, वो इजी था. वो भी शायद उससे छः क्वेश्चंस आए थे. आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, पांच या फिर छः. फिर उसके बाद और एक DI था केसलेट का, वो मैंने नहीं किया है. उसके बाद एक टेबल और परसेंटेज का था शायद, लास्ट वाला जो था वो भी मैंने नहीं किया है. उसके बाद पांच या छः क्वाड के क्वेश्चन थे शायद. हर मतलब सब्जेक्ट में से छः छः क्वेश्चन आए थे. जैसे पांच आता है ना, वैसे छः छः क्वेश्चन आए थे. सो वो मैंने कर दिए हैं. उसके बाद जो सबसे जो माइनस जो नेगेटिव पॉइंट था इस शिफ्ट का, वो ये था कि सिंप्लीफिकेशन या फिर अप्रोक्सीमेशन का एक भी क्वेश्चन नहीं था. पता नहीं दूसरे शिफ्ट में आए होंगे या नहीं, बट इसमें तो बिल्कुल भी नहीं था. अगर वो होता तो 4-5 मार्क आप इजीली स्कोर कर सकते थे. तो ये था. फिर बाकी ये तो पूरा टोटल था आपका स्पीड मैथ से, और बाकी सारा मतलब ये कहीं ना कहीं 25 मार्क तक आया होगा. बाकी 15 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट आपको वर्ड प्रॉब्लम, जो कि आपके अरिथमेटिक पार्ट है, उसी से आपको देखने को मिलेंगे. अगर इसने दिया होगा तो उसका पता होगा. फिर उसमें से भी सारे टॉपिक 15 क्वेश्चन से, तो ऑब्वियसली सारे टॉपिक्स तो कवर होंगे ही. तो इंटरेस्ट वाला एक किया था, मेंस्ट्रुएशन का मैंने किया था. फिर उसके बाद एक रेशियो का था, वो मैंने किया था. तो इस तरह से मैंने जो टोटल अटेम्प्ट किए हैं मैथ्स में, वो थोड़ा कम है, 24. कहीं ना कहीं मैथ्स में हमेशा जब भी मॉक वगैरह देती थी तो भी 27-28 के आसपास ही रहता था. और मुझे जो मैथ्स का पेपर लगा वो कैलकुलेटिव लगा. वो इतना टाइम मतलब बहुत कम टाइम में वो नहीं हो पाता. लेकिन जो लोग मैथ्स अच्छा करते हैं, मे बी उन लोगों ने 30+ किया होगा. सो ये था मैथ्स का. मुझे कहीं ना कहीं ये कैलकुलेटिव था, मतलब इजी तो बोलेंगे ही नहीं, मॉडरेट टू हाई में ही मुझे लगा कहीं ना कहीं. फिर उसके बाद हम आते हैं रीजनिंग पे. तो रीजनिंग पे आई डोंट रिमेंबर कि चार पज़ल थे या फिर पांच थे, क्योंकि मैंने जो टोटल अटेम्प्ट किया है वो है 39 out of 40. वो मेरा अच्छा गया था, बहुत गर्मी है. फिर उसके बाद मैं आपको पज़ल्स बता देती हूँ. एक तो फ्लोर बेस था, 7 फ्लोर थे और नीचे से लेकर ऊपर तक, और 7 कलर से 7 फ्लोर पे अरेंज करना था. नेक्स्ट आपका 4 मंथ 2 डेट्स, ठीक है, वो थोड़ा इजी होता है. फिर आपका लीनियर था, लीनियर में 8 लोग थे, कुछ लोग साउथ फेसिंग, कुछ लोग नॉर्थ. वो थोड़ा टाइम टेकिंग, बट अगेन मॉडरेट काइंड ऑफ था. उसके बाद बॉक्स, 10 बॉक्स पजल थे, जो कि 10 बॉक्सेस थे, उनको अरेंज करना है. वो थोड़ा टाइम टेकिंग था. तो शायद ये चार मुझे याद है, और एक अगर आया होगा तो मैंने ऑब्वियसली किया होगा, क्योंकि मैंने 39 अटेम्प्ट किए हैं. बस एक ब्लड रिलेशनशिप का मैंने एक स्किप किया है, बाकी मैंने पूरा अटेंड किया है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है. सो प्लीज़ लेट मी नो, चार ही थे या फिर पांच था. फिर सिलॉग के 4 या 5 क्वेश्चंस आए थे. सिलॉग ओनली फ्यू में थोड़ा कंफ्यूज में हो जाती हूँ, अदरवाइज सही था, डिफिकल्ट नहीं था. फिर इनइक्वालिटी इजी था, 4 क्वेश्चंस आए थे. कोडिंग डिकोडिंग भी 4 से 5 आए थे, वो भी ईजी था. फिर वो जो ब्लड रिलेशन में एक ही क्वेश्चन आया था, एक उसमें से वो ने स्किप कर दिया. फिर अल्फ़ा न्यूमेरिक तो नहीं था, बट यू नो जैसे होता है स्ट्रेंथ इज कोडेड एज ऐसा कुछ. फिर जैसे अबाउट इज कोडेड एज ऐसा कुछ, तो और एक वर्ड कैसा कोड होगा, तो वो ही था. फिर उसके बाद था आपका एक डायलॉग, एक वर्ड था उसमें 4th, 7th, 5th, 8th ऐसा कुछ वर्ड करके, अगर कोई मीनिंगफुल वर्ड बनता है तो ऐसा, वो एक था. और एक नंबर था, उसका जो इवेंट डिजिट्स था वो -2 हो रहे हैं, एंड जो और डिजिट्स थे वो -1 हो रहे हैं. तो कौन कौन से नंबर रिपीट नहीं हो रहे, तो 0 and 8 शायद है, मुझे याद है. तो ये था टोटल. मुझे लग रहा है कि शायद 4 ही पजल्स है, फिर 5 मुझे थोड़ा याद नहीं है इस बारे में, लेट मी नो. तो मेरे जो टोटल अटेम्प्ट रहे हैं 39 out of 14 रीजनिंग एंड 24 out of 14 मैथ्स. तो मेरे जो टोटल मार्क्स, मैंने जो टोटल किया है वो 63 out of 80.
तो आई एम नॉट श्योर कि कैसा गया है, क्योंकि जो उड़ीसा का कट ऑफ होता है वो हाई रहता है, सो आई एम नॉट श्योर। तो अभी मैं देख रही थी रिव्यू, तो क्या बोलते हैं, ग्रेट ऑफ ने तो बताया कि 60 to 68 कट, मतलब एवरेज गया है, तो आई डोंट, नॉर्मली इतना एवरेज कट ऑफ नहीं जाएगा, आई थिंक 55 to 58 तक ही लोग मैक्सिमम करके आए होंगे। सो देखते हैं, और आपका अगर यही शिफ्ट था या फिर कोई भी शिफ्ट था आज के डेट पे, सो लेट मी नो। और जिन लोग का 7 तारीख को है, आप लोग को यहाँ से थोड़ा एक्सपीरियंस मिल जाएगा कि सिंप्लीफिकेशन नहीं आ रहा है, मे बी अरे और एक अलग अलग शिफ्ट में आ रहे होंगे, लेकिन थर्ड शिफ्ट में नहीं था। सो प्रिपेयर कि मतलब सिंप्लीफिकेशन ऐसा नहीं कि आएगा ही आएगा, मैं सोच गई थी सिंप्लीफिकेशन या फिर अप्रोक्सीमेशन ज़रूर आएगा, बट नहीं आया। सो 63 out of 80 मेरा अटेम्प्ट रहा है, लेट मी नो कि आपका अटेम्प्ट कितना रहा। एंड फिर उसके बाद कट ऑफ मैं एनालिसिस बिल्कुल नहीं करूँगी, मैं बहुत ही ख़राब एनालिसिस करती हूँ, बट हम गेस कर सकते हैं कौन से स्टेट में कितना कट ऑफ जा सकता है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, एंड वहाँ पे भी मेरे को आप फॉलो कर सकते हो। थैंक यू।